नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। दोस्तों, इस वीडियो में एक दवाई बताऊंगा आपको जो मसल्स पेन में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ये जर्मन कंपनी स्वाबे बनाती है और होम्योपैथी मेडिसिन है। इसमें क्या कंपोजिशन होता है, लेने का सही तरीका क्या होता है और किन दर्द में काम आती है, क्या लक्षण होते हैं, क्या दवाइयाँ इसमें डाली गई हैं, ये सब हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोस से आप अपडेटेड रहें। हमारे शरीर में जो मसल्स होती हैं, यानी जो मांसपेशियां होती हैं, जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और पूरे शरीर में हमारे मसल्स होती हैं जो स्किन के अंदर होती हैं, जो त्वचा है हमारी दिख रही है उसके अंदर मांसपेशियां होती है। अगर उनमें दर्द हो कहीं भी पूरे शरीर में और दर्द सोरनेस जैसा हो, मतलब पीड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हो उसमें, इसके कारण क्रैम्प्स भी अगर आ रहे हो मसल्स में, क्रैम्प्स यानी ऐठन जैसा दर्द देखने को मिल रहा हो, या फिर पेशेंट के जो टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, उनमें भी अगर ट्रोमा या इंजरी के कारण पेशेंट को दर्द हो, यानी चोट लगने के कारण दर्द हो या किसी वजह से वो टूट गए हों और उनमें दर्द हो रहा हो, तो उसमें ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इसके अलावा और लक्षणों की बात करें तो अगर पेशेंट को मांसपेशियों में भी, यानी जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनमें भी अगर सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन देखने को मिल रही हो, वो चाहे चोट के कारण आई हो या फिर पेशेंट को किसी और वजह से भी ऐसी कई बार कंडीशन हो जाती है, ऑटो इम्यून सिस्टम के कारण कई बार ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है और सूजन के साथ दर्द बहुत ज़्यादा होता है। पेशेंट कई बार, अगर पेशेंट की टांगों में ऐठन जैसा दर्द हो, क्रैम्प्स पेन हो, विटामिन की कमी के कारण भी ऐसा देखा जाता है, तो पेशेंट चलने में समर्थ नहीं हो पाता है, यानी सही से पेशेंट चल नहीं सकता है, दर्द से कराता रहता है, लेटा रहता है, दवाइयाँ खाता रहता है। तो ऐसे लक्षणों में पेशेंट को ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए क्योंकि पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं। तो ऐसे में आप ये दवाई ले सकते हैं, होम्योपैथी दवाई है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसमें कुछ कंपोजिशन होते हैं, यानी कुछ दवाइयाँ डाली गई हैं जो इस बीमारी को ठीक करते हैं, वो हम डिटेल में अब जानेंगे कि कौन सी दवाइयाँ डाली गई हैं और उसके क्या एक्शन रहते हैं। सबसे पहली दवाई इसमें डाली गई है रस्टोक्स RT। ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है मसल्स पेन में, टेंडन्स में या लिगामेंट्स में अगर पेशेंट को पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, तो उसको ये दवाई ठीक करती है। कैसे, जब पेशेंट को मूवमेंट करने का मौका मिलता है, यानी थोड़ा बहुत हिलता डुलता है या चलता है पेशेंट, तो उसको रिलीफ मिलता है थोड़े टाइम के लिए, और थोड़े टाइम बाद फिर पेशेंट को दर्द होना शुरू हो जाता है ठंड से, यानी ठंडी हवा से या फिर भीगने से पेशेंट को ये दर्द बढ़ता है। तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई दी जाए तो काफ़ी राहत देती है। अगली दवाई इसमें ब्रायोनिया डाली गई है। ये दवाई ऐसे लोगों में असरदार रहती है जिनको सुबह के टाइम दर्द देखने को मिलता है, पेशेंट जब सोकर उठता है तो उसको दर्द बढ़ा हुआ देखा जाता है, ऐसे में ये दवाई दी जाए तो काफ़ी राहत देती है। इसके कुछ और भी लक्षण हैं, जैसे इसका पेशेंट हमेशा लेटा रहता है। दोस्तों, कुछ लोगों में क्या होता है कि वो जब सुबह उठते हैं तो उनका दर्द बढ़ता हुआ देखा जाता है, तो ऐसे में ब्रायोनिया इसमें डाली गई है इसके लिए दवाई। और ब्रायोनिया तब भी असरदार रहती है जब पेशेंट को शरीर में कमजोरी देखी जाती है, कमजोरी के साथ, खिंचावट के साथ दर्द हो, पूरे शरीर में अकड़ाहट हो, तो ऐसे में ब्रायोनिया बहुत असरदार रहती है। दवाई इसमें सिमसी फुगा डाली गई है जो कि लोअर लिम्ब्स में काम आती है, यानी जो टांगों में जिन लोगों को बेचैनी देखने को मिलती हो, टांगों में दर्द रहता हो, पेशेंट को रात में सही से नींद भी नहीं आ पाती हो, इतनी ज़्यादा बेचैनी देखने को मिलती हो, रेस्टलेस लेग में दवाई असरदार रहती है, दर्द में आराम देती है, क्रैम्प्स में आराम देती है, तो ऐसे में भी ये दवाई आप ले सकते हैं, लेकिन ये दवाई इसमें डाली गई है अर्टिका। जिन लोगों को कलाई जैसे एरिया में या एंकल में दर्द रहता हो और साथ में खुजली भी देखने को मिलती हो, तो ऐसे में अर्टिका बहुत असरदार रहती है। दोस्तों, अल्फा MP में ये दवाइयाँ डाली गई हैं। इनके अलावा भी कुछ दवाइयाँ हैं जो मसल्स पेन में बहुत असरदार रहती हैं। मसल्स पेन के साथ साथ कई बार ये दवाई जॉइंट्स पेन में भी इफ़ेक्टिव रहती हैं, जिन लोगों को जॉइंट्स में पेन रहता हो और कमजोरी जिन लोगों के अंदर देखने को मिलती हो, साथ में
पूरे शरीर में थकावट देखने को मिलती हो उसमें भी असरदार रहती है, कमजोरी को भी ठीक करती है, दर्द को भी ठीक करती है। तो इसके डोजेस की बात की जाए तो बिना डॉक्टर से मिले आप ये दवाई नहीं ले सकते हैं, ये वीडियो केवल नॉलेज के लिए है। हाँ, अगर आपको इमरजेंसी में आपके पास ये दवाई है और शरीर में अचानक दर्द होना शुरू हो जाए तो कुछ टाइम के लिए आप इसे ले सकते हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। हो सकता है कुछ टेस्ट की आपको ज़रूरत हो या कुछ और दवाइयों की भी ज़रूरत हो, या इसकी डोज कम ज़्यादा कई बार करनी पड़ जाती है। ऐसे में आप इसे खुद से न लें। जो इसकी कॉमन डोज होती है दिन में 3 से 4 बार 10 से 15 ड्रॉप्स थोड़े पानी में डाल कर दी जाती है, खाना खाने से आधे घंटे पहले या खाना खाने के आधे घंटे बाद। लेकिन डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिल लें, नहीं तो दिए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।